जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि पारस ऑफिशियल नाम के चैनल को चलाने वाले अरुणाचल प्रदेश पर रेसिस्ट रिमार्क दे रहे हैं, तो वो अरेस्ट हो चुके हैं। और उसके बाद एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करके आपको बताया था कि 420 गेमिंग और GTX प्रीत है वह भी उसी तरीके से रेसिस्ट रिमार्क दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और निनोंग एरिंग पर, जैसे पारस दे रहा था। उसके बाद मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया है, तो अब कुछ अपडेट निकल के सामने आई है जो कि मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। जो भी हिंदुस्तान टाइम्स पर एक पोस्ट की गई है उस पर पूरी डिटेल दी गई है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। लुधियाना यूट्यूबर अरुणाचल पुलिस को सौंपा गया। पारस की मां चंदा देवी ने कहा कि उनके बेटे को इस तरीके के बयान के नतीजे का अंदाजा नहीं था। अपने यूट्यूब चैनल पर पारस ऑफिशियल के नाम से जाने जाने वाले पारस सिंह को मंगलवार को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। अरुणाचल प्रदेश पुलिस को बुधवार को यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पारस सिंह उर्फ बंटी की ट्रांजिट रिमांड मिल गई, जिसे अरुणाचल प्रदेश के एक कांग्रेस विधायक के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी यानी रेसिस्ट रिमार्क और राज्य के लोगों के प्रति दुर्भावना रखने के लिए मंगलवार को लुधियाना में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस आयुक्त राकेश अग्रवाल ने कहा कि जनकपुरी निवासी पारस को मेडिकल परीक्षण के बाद अदालत में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया। पारस सिंह, जो अपने यूट्यूब चैनल पर पारस ऑफिशियल के नाम से जाने जाते थे, ने रविवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो में कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग को एक गैर भारतीय करार दिया था और जाहिर तौर पर दावा किया था कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा था, जिसे अरुणाचल प्रदेश के लोगों में रोष फैल गया। सोमवार को पोस्ट किए गए एक अन्य वीडियो में उन्होंने टिप्पणियां के लिए माफ़ी मांगी। पारस सिंह के यूट्यूब चैनल पर 4,57,000 सब्सक्राइबर है। दोस्तों, यही छोटी सी अपडेट है कि अरुणाचल प्रदेश की पुलिस को, पारस ऑफिशियल को, उनको सौंप दिया गया है लुधियाना पुलिस के द्वारा। यानी कि अरेस्ट तो उनको पंजाब में किया गया था, लेकिन अब अरुणाचल पुलिस को सौंप दिया गया है। और अब GTX प्रीत और 420 गेमिंग की अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है। उन्होंने बस सॉरी मांगा था, जो कि मैं आपको कल के वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। उन्होंने बस सॉरी मांगा था और उनके अरेस्ट होने की अभी तक कोई भी न्यूज नहीं है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने राय सजेशन जरूर दीजिए। क्या GTX प्रीत और 420 गेमिंग के साथ कुछ ऐसा सिचुएशन होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।